आप में से जो भी स्टूडेंट इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप में से जो भी स्टूडेंट एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद जो भी स्टूडेंट एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वही एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब क्लास 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 12th है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट्स एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रही हैं, तो वो मेडिकली फिट भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और नीट का जो कट ऑफ क्लियर होगा एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए, तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो आप मेडिकली फिट होनी चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगी और आप इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेज वहां से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएंगी।